एल्फी और कॉन्टिनेंटल जो है बॉश से काफ़ी आसान होता है रिपेयरिंग करने के लिए, चाहे उसको ट्रेस आउट करने के लिए बहुत आसान होता है, लेकिन आदमी के जहन में बैठा हुआ है कि बहुत टफ है, टफ है, टफ है, इसके लिए जो है वो टफ हो गया है। हेलो गाइस, आई एम मोजिल, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। सो आज का क्लास है हमारा ECM ट्रेनिंग क्लास 42, जो डेल्फी का ECM आता है, 3.7 DCM 3.7 AP, कुछ ऐसा दिखता है ये इंटरनल बोर्ड इसका। तो इसके अंदर जो है इंजेक्टर सेक्शन आता है, तो इंजेक्टर सेक्शन में का एक हाई आता है, एक लो आता है। तो हाई और लो में जो है एक लो साइड सेक्शन होता है, एक हाई साइड सेक्शन होता है। लो साइड सेक्शन में जो है नेगेटिव पल्स आउट होता है, हाई सेक्शन में जो है दो वोल्टेज आउट होता है, जिसमें से जो है वो दोनों पॉजिटिव होता है। तो लो सेक्शन में जो है इसके हम लोग देखेंगे कि किस तरह जो है ये इसके इंजेक्टर ड्राइवर कौन से है, कैसे ये वर्किंग में लाता है, और दूसरा जो है इसका फीडबैक जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इसका फीडबैक जो है किस तरह से होता है। तो उससे पहले मैं बोलना चाहूँगा गाइस, मेरा एक रैमजोन वेबसाइट है, आप वहाँ पर जाकर जो है किसी भी गाड़ी के IC का पिनआउट्स और रैम पिनआउट्स और IC का पिनआउट्स वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और आप जो है और अच्छा से बेटर जो है रिपेयर कर सकते हैं ECM रिपेयरिंग का। और जो भी आपको अगर ECM कुछ रिपेयरिंग करना हो, करवाना हो, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो वो हमारे पास भेज सकते हैं, हम उसको रिपेयर करके आपको वापस कुरियर कर देंगे। तो कुरियर करने टाइम जो है बहुत लोग गलती भी कर डालते हैं कि मेरा सिर्फ यहाँ का एड्रेस लिख डालते हैं, लेकिन अपना नहीं लिखते, अपना एड्रेस मोबाइल नंबर वो भी ज़रूर लिखा करिए। नहीं तो मेरे पास 2-3 ECM पड़ा हुआ है जिसका लावारिस है, बिना लावारिस कोई आता ही पता नहीं है भाई किसने भेजा है, फ़ोन भी नहीं करता है कि भाई ECM हुआ कि नहीं, और रेडी होके पड़ा हुआ है। तो चलिए गाइस, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ये जो हमारा है दो इंजेक्टर ड्राइवर है, ये जो डेल्फी है इसका फंक्शन जो है टोटल अलग होता है, ये बॉश से और पैंगन प्रणाली से अलग है। हालांकि ये जो है बहुत आसान होता है, डेल्फी और कॉन्टिनेंटल जो है बॉश से काफ़ी आसान होता है रिपेयरिंग करने के लिए, चाहे उसको ट्रेस आउट करने के लिए बहुत आसान होता है, लेकिन आदमी के जहन में बैठा हुआ है कि बहुत टफ है, टफ है, टफ है, इसके लिए जो है वो टफ हो गया है, लेकिन है बहुत आसान, बस समझने की देरी है, एक बार समझ में आ गया तो बहुत आसान है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है आज हम लोग इंजेक्टर सेक्शन करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इसी में आता है, इंजेक्टर सेक्शन में ही प्रॉब्लम आता है। तो हमारा जो पिन नंबर 25 है, ये ECM ये जो है इंजेक्टर में जो जाता है, इंजेक्टर में हमारे बेसिकली दो पिन्स आते हैं। कोई भी इंजेक्टर जो होता है उसके अंदर कॉइल होता है, वो एक समझिए एक टाइप का एक्चुएटर है, वो इंजेक्टर जो है एक्चुएटर है। तो किसी भी एक्चुएटर को जो है एक्चुएट करने के लिए, उसको वर्किंग में लाने के लिए, उसको एक पॉजिटिव देना पड़ता है और एक नेगेटिव देना पड़ता है। तो ये जो नेगेटिव जो होता है, तो मैं सिर्फ जो है अभी एक नेगेटिव बता रहा हूँ, ठीक है। ये नेगेटिव किस तरह फ्लो करता है और अगर ये नहीं काम कर रहा है तो किस तरह जो है ये फॉल्ट जनरेट कर देता है, एरर जनरेट कर देता है, या समझो फॉल्ट कोड जनरेट कर देता है, तो उस पर जो है हम लोग बात करेंगे। तो वो तो नेक्स्ट वीडियो में फीडबैक बात करेंगे, लेकिन अभी जो है वर्किंग की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये जो नेगेटिव है कॉइल का, तो समझिए ये नेगेटिव है, पॉजिटिव समझिए पहले से आ रहा है, और मैं अभी जो है नेगेटिव सेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो नेगेटिव सेक्शन जो है ये इंजेक्टर से वायर आएगा हमारे ECM पिन नंबर, ये ECM का पिन नंबर 25 पर, और 25 जो है एक अटैच रहेगा एक MOSFET से, ये हमारा ये MOSFET है, ये MOSFET से अटैच रहेगा, और ये MOSFET का जो है एक लैग, इसमें तीन होता है, तीन लैग होता है, तो एक लैग जो है इसका जो है अटैच रहेगा हमारा ग्राउंड से, ये फ्यूज रेजिस्टेंस के थ्रू, जैसा ये वाला जो है ये ऐसा आएगा और इधर से आके, और ये जो है ग्राउंड है हमारा, तो ये इसके द्वारा, ये फ्यूज रेजिस्टेंस के द्वारा जो है अटैच्ड रहता है ग्राउंड, ठीक है। तो समझिए यहाँ पर जो है कंटिन्यूसली जो है इग्निशन ऑन रहे, ऑफ रहे, कुछ भी रहे, यहाँ पर कंटिन्यूसली ग्राउंड दिखेगा। अब बारी आती है कि इस ग्राउंड को जो है यहाँ तक पहुँचाना, तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए जो है इसके इस वाले गेट पर जो है कुछ वोल्टेज या कुछ पल्स, हर्ट्स, कुछ भी जो है यहाँ पर देना रहता है। तो उसको देने के लिए जो है हम लोग ड्राइवर का यूज़ करते हैं, क्योंकि ड्राइवर जो है हर तरीके की वोल्टेज को हर तरीके से, मतलब वो जो है पूरा स्टोर करता है कि सब पूरा सेक्शन ओके है, सब ओके है, उसके बाद जो है ये
कमांड देता है, रेल प्रेशर, ब्लड प्रेशर सबका जो है, ये लोग जो है एक दूसरे में कम्युनिकेट करते रहते हैं एक दो ऐसी से। तो इस चीज़ में जो है एक आपको रेजिस्टेंस दिखेगा 22 किलो ओम्स। ये रेजिस्टेंस जो है हमारा मॉस्फेट को डिस्चार्ज करने के लिए लगा हुआ है। और दूसरा जो है एक रेजिस्टेंस को जंप करके पिन नंबर 29 से जो है कमांड आता है इस मॉस्फेट के एक लैग्स पर। जैसा ही इसके एक लैग्स पर कमांड आएगा, उसी तरह जो है ये वाला ग्राउंड जो है हमारा आउट हो गया चला जाएगा इंजेक्टर में। ये समझ लीजिए एक इंजेक्टर नंबर 1 है, इंजेक्टर नंबर 2, इंजेक्टर नंबर 3, इंजेक्टर नंबर 4। सेम जो है उसका ये वाला भी है, यहाँ पे ऑलरेडी ग्राउंड है और ये जो है हमारा इंजेक्टर में चला गया है। और इसके गेट पर जो है पिन नंबर 28 से जो है कमांड आ रहा है, ये इंजेक्टर ड्राइवर 2825271 से कमांड आ रहा है। और ये वाला ग्राउंड जो है हमारा 26 पर चला जा रहा है। सेम हमारा उसी तरह ये भी है, ये इंजेक्टर इंजेक्टर में चला गया और मॉस्फेट पे आके स्टॉप हो गया। और ये वाला जो ग्राउंड है इसको जो है दूसरा वाला, ये और ये दोनों के लिए जो है ये वाला फ्यूज यूज में लाया गया है और इन दोनों के लिए जो है ये वाला फ्यूज यूज में लाया गया है। तो यहाँ पर जो इन दोनों के गेट पर जो है, इन दोनों के सोर्स पर कंटिन्यूसली जो है ग्राउंड रहेगा। जैसा ही इसको जो है पिन नंबर 28 से इसको कमांड मिलेगा, ये वाला जो है हमारा इंजेक्टर में चला जाएगा ग्राउंड आउट होके। सेम 29 जो है आएगा इसके गेट पर, ये सोर्स ड्रेन से होते हुए जो है हमारा 75 पिन नंबर पर चला जाएगा। तो बहुत सिंपल है। अब जो है इसको नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग बात करेंगे फीडबैक के ऊपर, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर बात करेंगे तो खिचड़ी बन जाएगा, खिचड़ी बनने से जो है कुछ नहीं समझ में आता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जिसको इंटरेस्ट है वहाँ तक ये वीडियो को पहुँचाइए, क्योंकि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर आपको बताने में। ऐसा वीडियो आपको YouTube पे कहीं नहीं मिलता होगा जो ECM को रख के उसका डायग्राम बनाता हो और वो सेक्शन एक्सप्लेन करता हो। ये हमारा ये मॉस्फेट्स है और ये जो है 6 सिलेंडर में भी यूज़ में लाया गया, जैसा कि ये जैसा ट्रक व्रक में भी आता है, ये यूज़ में लाया गया जो 6 सिलेंडर इंजन है, ये एक मिसिंग है। जैसा कि ये लोग जो है यूज़ में नहीं लाया गया तो एक मिसिंग रहता है, 6 सिलेंडर में भी यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो है ये 2 फ्यूजरेबल रेजिस्टेंस है, ठीक है। चलिए बस गाइज, आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।